हिंदू नववर्ष पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शाम 5 बजे तुलजा भवानी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान सुंदर झांकी एवं धुमाल के गूंज के साथ राम के जयकारे लगे। हिंदू नूतन वर्ष की तैयारी को लेकर नगर के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा वर्ग इसकी तैयारियों को लेकर 4-5 दिन से लगे हुए थे। नगर के चौक चौराहों पर भगवा कलर के झंडे बैनर से सजाया गया था और मुख्य सड़कों पर तोरण भी लगाया गया था। यह शोभा यात्रा तुलजा भवानी से निकलकर नया बस स्टैंड, महामाया चौक, बड़ी बाजार, हाई स्कूल चौक होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचकर गज किला में महाआरती संपन्न हुआ। इस शोभा यात्रा में धुमाल की लाइटिंग की चकाचौंध के साथ पूरे नगर का भ्रमण करते हुए भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं, समाज प्रमुख के साथ युवा वर्ग शामिल होकर तासे के धुन में जय श्री राम के नारे लगाते हुए भव्य रैली निकाली गई। हर चौक चौराहे में अपने अपने घर की दहलीज पर आरती थाली सजाए महिलाएं इंतजार करती दिखी। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत मीठा पानी, शरबत, हलवा, पूड़ी से राम भक्तों का स्वागत किया जा रहा था। कार्यक्रम का समापन नगर के गज किला में महाआरती के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू नववर्ष समिति द्वारा किया गया था। इस अवसर पर नगर के समाज प्रमुखों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा उपस्थित रहे। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में नगर के नागरिकों द्वारा तुलजा भवानी मंदिर से शोभा यात्रा निकला, जो बहुत सुंदर और भव्य था। इसमें तीन यात्रा भी झांकियाँ थी और भगवान हनुमान जी, राम भगवान को और लक्ष्मण भगवान अपने हाथ में लिए हुए ऐसा नहीं निकला था। और सभी नगर के लोग उसका बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किए हैं और जगह जगह फूल मालाओं को चौक फूट करके और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ है हमारे नववर्ष के शोभा यात्रा का। ये शोभा यात्रा कहाँ समाप्त होगी? शोभा यात्रा प्राचीन किला मंदिर में किला में समाप्त होगी और वो भव्य आर्थिक रूप में समाप्त किया जाएगा और नगर के गणमान्य नागरिक सब वहाँ एकत्रित होकर के महाआरती का रूप देकर के इस शोभा यात्रा समाप्त करेंगे। सौहार्दपूर्ण यह यात्रा और सभी प्रकार सभी धर्म के लोग इसको मिलजुल करके इस यात्रा में सम्मिलित हुए और स्वागत किए। यह शोभा यात्रा तुलजा भवानी से प्रारंभ होकर के गज किला रतनपुर भ्रमण करते हुए महाआरती के बाद सम्पन्न हुई। प्रतिवर्ष यह शोभा यात्रा चलती है। नववर्ष जो है हमारा कालगणना के अनुसार पृथ्वी की रचना ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और उसी प्रकार राम जी का राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ था। सिंधी समाज के झूलेलाल, भगवान झूलेलाल जी का भी आज अवतरण दिवस है। उसी प्रकार खालसा पंथ के स्मृति गुरु अंगद देव जी का भी आज जन्म दिन है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण दिनों को लिए हुए यह नववर्ष है। साथ ही माँ शक्ति की उपासना के साथ यह नववर्ष प्रारंभ होता है। इस नववर्ष में समस्त नगरवासियों को और एवं समस्त भारतवासियों को हिंदू नववर्ष की हम बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं।